सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह बांका विधायक राम नारायण मंडल क्षेत्रीय दौरे में पंजवारा पहुंचे और यहां ग्रामीणों की समस्याओं को सुना इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में ग्रामीणों को इससे बचाव हेतु सावधानी बरतने का सुझाव दिया साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार में आए लोगों के बीच मास्क वितरण कर उन्हें मास्क पहनने को लेकर भी जागरूक किया ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष कई जन समस्याओं को रखा जिसमे पंजवारा को बासी फीडर की जगह बारहट फीडर ऐसी जोड़ने की मांग प्रमुख रही साथ ही क्षेत्र में रुके हुए कई विकास कार्यो को गति प्रदान करने की मांग की गई जिसको लेकर मंत्री राम नारायण मंडल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए मौके पर बांका के एस डी ओ मनोज कुमार चौधरी एस दिनेश चंद्र श्रीवास्तव बी डी ओ भूषण साहू बीजेपी नेता सुभाष शाह रासमोहन ठाकुर मुखिया भोला पासवान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे बांका जिला के अमरपुर शहर के बेहतम इलाके पुरानी चौक के समीप दिनों ने खड़ी बाइक की डिक्की तोड़कर डेढ़ लाख नगद समेत अन्य कीमती कागजातों की चोरी कर ली मामले को लेकर पीड़ित महादेवपुर गांव निवासी दीनबंधु देव ने बताया भाई जयंत कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर अमरपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया जहाँ डेढ़ लाख रूपए की निकासी कर पैसे को डिक्की में रखकर आवश्यक कार्य के लिए बाजार गया जहां सुमन रेडीमेड के सामने बाइक खड़ी कर दुकान के समीप स्थित ज्वेलर्स का दुकान पर गया दो मिनट के बाद जब वापस आया तो देखा डिक्की खुली हुई है डिक्की में रखे डेढ़ लाख नगद समेत पैन कार्ड पासबुक चेकबुक आदि गायब हो चुके थे इन्होंने बताया कि आवश्यक कार्य के लिए रुपयों की निकासी किया था मामले को लेकर एस टी जयंत कुमार ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है थानाध्यक्ष ने बताया की आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है बांका जिला के फुल्लीडुमर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोड़ा बाजार सलैया चेंगाखार एवं इराबरन के वासी जर्जर बिजली तार को लेकर दहशत में जीने को अभी सप्त हैं गुरुवार की रात हवा के हल्के झोंके में ही गोड्डा बाजार के सूकर रजक एवं छेदी रजक के घर पर टूटकर बिजली तार गिरने से अफरा तफरी मच गई हालांकि अचानक बिजली गुल होने से किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई स्थानीय जानकार युवकों ने तार को सहेज कर एक तरफ कर दिया इस संबंध में अनिल भगत आलोक भगत राकेश यादव चंदन गुप्ता संतोष भगत राजीव शाह पप्पू रजक अशोक शाह भूदेव दास कपिल देव आजाद समेत दर्जनों ग्रामीणों ने विभाग के आला अधिकारियों से जर्जर तार बदलने की मांग की ग्रामीणों की माने तो आए दिन जर्जर तार किसी किसी गांव या बयार में टूटकर गिर रही है किसी अनहोनी की आशंका में जीने को हम लोग विवश हैं साथ ही उन लोगों ने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सब आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे हालांकि इस संबंध में जेई वरुण कुमार ने बताया कि सभी जर्जर हो चुके तार को बदले जा रहे हैं वहां भी बदला जा रहा है इनके अनुसार हेल्पलाइन नंबर नाइन टू सिक्स फोर फोर थ्री जीरो सिक्स वन नाइन ने पोल टूटने अन्य की जानकारी दी जा सकती है सूचना मिलने के बाद बिजली कर्मी तुरंत समस्या के समाधान में जुट जाएंगे बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के परनाथपुर गांव में मजदूरी मांगने गए एक युवक को दबंगों पीट कर जख्मी कर दिया जख्मी परनाथपुर गांव निवासी दिनेश तांती का इलाज स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया गया मामले को लेकर जख्मी ने बताया वो और इनका पुत्र पिंटू तांती मनरेगा के तहत मैनुमा डांड की खुदाई में मजदूरी का कार्य करते थे जिसके तहत पुत्र का पाँच दिन का व मेरा एक दिन का मजदूरी बकाया रह गया था जब बकाया मजदूरी मांगने गए तो मुंशी पप्पू यादव और उनका भाई सतीश यादव गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया मामले को लेकर जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया की आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के मनसरपुर गांव में जमीन बंटवारे को लेकर हुई मारपीट में पति पत्नी जख्मी हो गए जख्मी रुपेश मंडल एवं इनकी पत्नी रिंकू देवी का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफर अस्पताल में किया गया मामले को लेकर जख्मी रुपेश मंडल ने बताया कि मैंने राजौन थाना क्षेत्र के जबरा गाँव में प्रेम विवाह किया था जब मैं अपने पिता बाबूलाल मंडल ऐसी जमीन का बंटवारा करने की बात कही तो मेरे पिता समेत मेरे भाई निफुल मंडल सुकेश मंडल एवं भतीजा गोलू मंडल व छोटू कुमार गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा ऐसी प्रहार करने लगा जिस कारण हम पति पत्नी जख्मी हो गए मामले को लेकर जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की है थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया की आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन आरोप अनुसंधान किया जा रहा है कुदरत का कहर इन दिनों लगातार जारी है शुक्रवार को रजौन प्रखंड अंतर्गत नवादा बाजार स्थित हरतौरा गांव निवासी एक युवक ठनका की चपेट में आने से जख्मी हो गया मिली जानकारी के अनुसार नवादा बाजार स्थित हरतौरा गांव निवासी नारायण मंडल का अट्ठाईस वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार गांव के समीप झोपड़ी पर बैठा हुआ था इसी क्रम में मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली के झटके ऐसी जख्मी हो गया घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे लेकर आनंद फानंद में रजौन स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे जहाँ उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद कलीम अहमद ने भागलपुर के मायागंज रेफर कर दिया रेफर करने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है वहीं भारी बारिश के बीच नवादा बाजार स्थित खरवा गांव निवासी अरुण सिंह के छत पर ठनका गिरने से मकान का पिलर टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया जिससे घर के अंदर के लोग बाल बाल बच गए बाका के अमरपुर थाना क्षेत्र के पिरोटा गांव के समीप हुई ऑटो एवं बाइक की टक्कर में बाइक चालक जख्मी हो गया स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी को इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर पंकज कुमार द्वारा जख्मी मुनेश हेब्रम का प्राथमिक उपचार किया गया वही जख्मी की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया मामले को लेकर जख्मी ने बताया की वह अपने गाँव महादेव थान के सिमपुर गाँव से बाइक पर सवार होकर भर सब्जी खरीदने गया था जहाँ से वापसी के क्रम में पिरोटा गाँव के समीप सामने से आ रही ऑटो चालक ने अनियंत्रित होकर धक्का मार दिया